सर कश्मीर से कुछ लोग पलायन कर रहे हैं और कश्मीर में लगातार ऐसी कश्मीर के अंदर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसको लेके पूरा देश चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि एक पलायन 1990 के आसपास हुआ था और ये दूसरी बार पलायन हो रहा है, और ये जितने भी अपने कश्मीर के भाई बहन हैं ये वापस अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ लोग गए थे, वापस अपने घरों में गए थे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे आतंकवादियों द्वारा टारगेट कर करके उनको मारा जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। और इस पे मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी यत्न करने की ज़रूरत है, जितना भी खर्चा आने की ज़रूरत है, वो करना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोग, पुराने घाव हैं उन लोगों के, कश्मीर के लोग वापस अपने अपने घरों में जाके बस सकें। जो भी मदद है, अभी भी जितने लोग रह रहे हैं हम लगातार उनके टच में हैं। अभी पिछले हफ्ते भी कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में बसे हुए हैं उनका डेलीगेशन मेरे पास आया था, उनकी जो जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं मैंने तुरंत ऑन द स्पॉट दूर की। तो जो भी दिल्ली आते हैं वो दिल्ली में बसें और देश के जहाँ जहाँ जाते हैं, पर हम ये क्यों करें कि वो दूसरी जगह जाके बसें? हमारा मेन मकसद तो होना चाहिए कि उनको उनके घर में बसाया जाए। उनके घर से क्यों उजाड़ा जा रहा है? अभी भी जो मैंने तस्वीरें देखी श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर और इधर उधर, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स के साथ वो बार्गेनिंग चल रही है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये अच्छी तस्वीरें नहीं है, अच्छा काफ़ी दुख होता है।